नमस्कार, मैं आलोक सिंह आपके साथ फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में कुछ जानने, कुछ समझने, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चैप्टर के दो टॉपिक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल को हम लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल दो फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट एंड सेकेंड, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फार्मासिस्ट। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट हैं, वहाँ पे ये कहा गया कि दो तरह की रजिस्टर्स होंगे, एक का नाम है फर्स्ट रजिस्टर और दूसरे का नाम है सब्सिक्वेंट रजिस्टर। फर्स्ट रजिस्टर स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करेंगी, और सब्सिक्वेंट रजिस्टर स्टेट फार्मेसी काउंसिल प्रिपेयर करेंगे। स्टेट फार्मेसी काउंसिल फर्स्ट रजिस्टर को मेंटेन रखती हैं, और उसे मेंटेन रखने के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो अपना पहला फंक्शन परफॉर्म करती हैं, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट रजिस्टर। जब वो सब्सिक्वेंट रजिस्टर प्रिपेयर हो जाएंगी, अब ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल उस रजिस्टर का प्रिंटिंग करवाएंगे और उसे पब्लिश करेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल इस सब्सिक्वेंट रजिस्टर का सप्लीमेंट कॉपी भी प्रिपेयर कर सकती हैं, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल उस सप्लीमेंट कॉपी को भी पब्लिश करेंगे। थर्ड फंक्शन होगा कि जो भी पर्सन रजिस्टर्ड होंगे एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेंगी, और टाइम टू टाइम वो इस रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल भी करेंगे कि रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहला फंक्शन हो गया प्रिपरेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट रजिस्टर, दूसरा हो गया प्रिंटिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट रजिस्टर, तीसरा हो गया पब्लिकेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट रजिस्टर, चौथा हो गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, पांचवा हो गया रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा हर साल स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने सब्सिक्वेंट रजिस्टर का और इसके सप्लीमेंट कॉपी की 5 कॉपीज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करेंगी, ताकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट फंक्शन हो गया इंस्पेक्शन ऑफ द लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस, स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे जो किसी भी लाइसेंस्ड फार्मेसी प्रेमाइसेस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और लास्ट हो गया कि यदि कोई फार्मासिस्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन है, या ड्यूरिंग इंस्पेक्शन कुछ डेफिशिएंसीज पाई गई, तब स्टेट फार्मेसी काउंसिल उनके नाम को रिमूव कर सकती हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। हम लोगों ने वहाँ तो सिर्फ दो फंक्शंस पढ़ा कि प्रिपरेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट रजिस्टर एंड
रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फार्मासिस्ट। लेकिन इन्हीं फंक्शंस को हम लोग जब पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस सामने आ रहे हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। वो फंक्शंस हैं प्रिपरेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट रजिस्टर, प्रिपरेशन ऑफ द सप्लीमेंट कॉपी ऑफ सब्सिक्वेंट रजिस्टर, इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट रजिस्टर एंड इट्स सप्लीमेंट, सप्लाई ऑफ 5 कॉपीज ऑफ दीज रजिस्टर्स टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्पेक्शन ऑफ लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस टू सेल डिस्पेंस और कंपाउंड ड्रग्स, एंड लास्ट इज द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फार्मासिस्ट्स। तो ये सारी फंक्शंस हैं, इनमें से जो सब्सिक्वेंट रजिस्टर का प्रिपरेशन है उसके बारे में पिछली क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, इसलिए आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स। अब यहाँ पे जो फंक्शंस बताई गई सब्सिक्वेंट रजिस्टर के अलावा, प्रिपरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट रजिस्टर के अलावा, क्या कहा जा रहा है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल हर साल 1 अप्रैल को अपने सब्सिक्वेंट रजिस्टर को या उनके सप्लीमेंट कॉपी को पब्लिश करेंगे, और ये पब्लिकेशन का जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न एक अमेंडमेंट के द्वारा फार्मेसी एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, और वो है अमेंडमेंट एक्ट है फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1959। हम सभी को मालूम है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल 5 साल के लिए कंस्टिट्यूट की जाती हैं, 5 साल के बाद काउंसिल डिसॉल्व हो जाएंगी। अब उस काउंसिल के डिसॉल्व होने के बाद एक न्यू स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंस्टिट्यूट की जाएंगी बाय इलेक्शन। अब जिस साल ये इलेक्शन होंगी उस साल स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने इस सप्लीमेंट या सब्सिक्वेंट रजिस्टर्स को, इनके सप्लीमेंट कॉपी को पब्लिश करेंगे, प्रिंट करेंगे एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर डेट ऑफ जनरल इलेक्शन। कोई भी पर्सन उस रजिस्टर को परचेज कर सकता है बाय पेइंग सम कॉस्ट टू स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो ये हम लोगों ने जाना रिगार्डिंग प्रिंटिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट रजिस्टर। नेक्स्ट फंक्शन है इंस्पेक्शन बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑथोराइज्ड है कि वो किसी भी लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और इसके लिए वो इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंस्पेक्टर्स स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा अपॉइंट होंगे वो अलग हैं, और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं वो अलग हैं। मीन्स 2 इंस्पेक्टर्स हैं जो इंस्पेक्टर्स किसी भी लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो इंस्पेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इनकी अपॉइंटमेंट फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा की जाती हैं। तो ये जो हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो सूटेबल नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे,
जिनके पास प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, जो लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस जहां पे ड्रग्स की कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग हो रही हो, उनका वो इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद वो अपना रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी को सबमिट कर देंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो भी डिसीज़न होगा उसके अकॉर्डिंग ये इंस्पेक्टर आगे का ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। यदि एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये कहना है कि इस फार्मासिस्ट के अगेंस्ट कोर्ट में प्रोसिक्यूशंस के लिए अपील किया जाए, तो स्टेट जो इंस्पेक्टर है वो कोर्ट में उस फार्मासिस्ट के अगेंस्ट अपील करेंगे। इसके अलावा स्टेट फार्मेसी काउंसिल और भी पावर ऑथोराइज कर सकती हैं इस इंस्पेक्टर को टू परफॉर्म दैट ड्यूटीज। ये जो इंस्पेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा, उनकी अपॉइंटमेंट ये समझी जाएगी कि ही इज पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ IPC। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, दैट इज द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ ए फार्मासिस्ट। और ये आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फार्मासिस्ट। लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में जान लेते हैं। हम लोग जान चुके हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेंगी इन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा पे, और इसके लिए वो कुछ एनुअल चार्ज भी चार्ज करेंगी फ्रॉम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रिन्यूअल फी सबमिट करेंगे, और जब रिन्यूअल फी सबमिट हो जाएंगी तब ये समझा जाएगा कि उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो चुका है। उनके पास जो रिन्यूअल फी की रिसिप्ट होगी, दैट रिसिप्ट इज कंसिडर्ड एज प्रूफ कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन रिन्यू हो चुकी है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल अलग से कोई रिन्यूअल सर्टिफिकेट इशू नहीं करती। यदि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर करता है, सपोज करें कि वो डिप्लोमा होल्डर है और उसने बी फॉर्म कर लिया, या वो बी फॉर्म है और उसने एम फॉर्म कंप्लीट कर ली, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अपना नाम इस या अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करवा सकता है, और उसके लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल कुछ फी डिसाइड की हुई है। तो इससे हम लोगों ने ये समझा कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब जो मेन टॉपिक है आज का, दैट इज द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फार्मासिस्ट, कि किन कंडीशंस में किसी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर से रिमूव कर दी जाती है। हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास इसका अटेंड किया उसमें ये बताया गया कि जो रजिस्ट्रेशन है इसका मेन पर्पस है कि टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, मीन्स कि जो पर्सन क्वालिफाइड है, वेल ट्रेंड है, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, वही पर्सन फार्मेसी प्रोफेशन में एंटर करेंगे और रजिस्ट्रेशन उनकी की जाएगी। रजिस्ट्रेशन से पर्सन्स के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आएंगी कि ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उनके मन में डर भी होगा कि हमने यदि कोई गलती कर दी तो हमारा नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा और हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी।
इसलिए वो अपने स्टैंडर्ड को, अपने लेवल को, क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि ऐसा कौन कौन सा कंडीशंस है जिनके चलते किसी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर से या रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट से रिमूव किया जा सकता है। अब वो जो कंडीशंस हैं, सबसे पहला कि जो रजिस्ट्रेशन का नाम जो रिमूव करना है उसके लिए जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हैं हमारी कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स हैं, ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम इस सब्सिक्वेंट रजिस्टर के अंदर एंटर हुई हैं ड्यू टू एनी एरर, कि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी या एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन कुछ मिस्टेक हो गई या पर्सन ने कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन किया, मींस कि गलत इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस किया, या पर्सन ने कुछ फैक्ट्स को हाइड किया, छुपा लिया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल को नहीं बताया, और बाद में स्टेट फार्मेसी काउंसिल को उन फैक्ट्स के बारे में पता चल रहा है, तब इस कंडीशन में उनका नाम सब्सिक्वेंट रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट क्या हो गया कि एंटर्ड नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ड्यू टू एनी एरर और ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और ड्यू टू सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो इस कंडीशन में उनका नाम रजिस्टर से रिमूव किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन है कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं कोई ऑफेंस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल ऑफेंस कर रहे हैं, और ये चीज़ें स्टेट फार्मेसी काउंसिल के नॉलेज में आ गई, उस कंडीशन में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। ये ऑफेंस क्या हो सकता है? ये ऑफेंस हमारी यूजुअली प्रोफेशनल ऑफेंस क्या होंगी कि जो फार्मेसी से रिलेटेड लेजिस्लेचर्स हैं, एक्ट हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसके स्टडी आप इस सब्जेक्ट में करेंगे, वहाँ पे जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, या मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है, या नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। हर एक एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं कि ये एक्ट जो है या ये जो बिहेवियर है दैट इज़ द ऑफेंस, मीन्स लीगली वो गलत है, और कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कोई लीगल इलीगल वर्क, सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे कि इलीगल वर्क परफॉर्म कर रहा है अपने प्रेमाइसिस में, तब उस कंडीशन में उनका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। और थर्ड पॉइंट है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का जो एम्प्लॉई है, यदि उस एम्प्लॉई ने कोई प्रोफेशनल ऑफेंस किया, उस कंडीशन में भी जो एक्शन है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अगेंस्ट लिया जाएगा। लेकिन जो एम्प्लॉई का ऑफेंस है, उस ऑफेंस में ये प्रूव करना होगा कि जो फार्मासिस्ट है, उस फार्मासिस्ट को खुद वो उस ऑफेंस को स्टार्ट किया और फिर अपने एम्प्लॉई को दे दिया कि आप इस ऑफेंस को कंटिन्यू करें, मींस एम्प्लॉय ने उस ऑफेंस को कंटिन्यू रखा। दूसरा पॉइंट है कि उनका एम्प्लॉय कोई इनफेमस कंडक्ट कर रहा है। यहाँ पे वर्ड क्या है? इनफेमस कंडक्ट। इनफेमस कंडक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो डिसऑनरेबल है या डिसग्रेसफुल है, उस कंडीशन में भी स्टेट
उस कंडीशन में भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। जो ये एक्शन है, यहाँ पे मैं फिर से देखो, यहाँ पॉइंट आ गया कि एक्शन इंस्टिगेटेड बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड कंटिन्यूड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। दूसरा पॉइंट है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वर्कड सीक्रेटली, मींस प्राइवेटली, और किसी और को मालूम नहीं था, और फिर उसने वो जॉब परफॉर्म किया, वो ऑफेंस परफॉर्म किया, तब उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएंगी। नेक्स्ट हो गया कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट गिल्टी है किसी ऑफेंस के लिए, कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ने 12 महीने पहले कोई एक गलती कर दी और वही गलती उनके एम्प्लॉय के द्वारा विदिन 12 मंथ रिपीट हो रहा है, उस कंडीशन में भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम रिमूव कर दिया जाएगा। या कोई ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन वो लंबे समय तक, कोई ऑफेंस वो लंबे समय तक कंटिन्यू किए जा रहे हैं, उस कंडीशन में भी उनका नाम रिमूव कर दिया जाएगा। तो दीज आर द कंडीशंस टू रिमूव द नेम ऑफ फार्मासिस्ट्स। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने इसे ठीक से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है कि नेम एंटर ड्यू टू एनी एरर, मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स, देन नेम कैन बी रिमूव्ड। दूसरा कहा जा रहा है एनी प्रोफेशनल ऑफेंस कंडक्टेड बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, देन नेम कैन बी रिमूव्ड। तीसरा कहा जा रहा है एनी ऑफेंस कंडक्टेड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, देन एक्शन अगेंस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शैल बी टेकन। लेकिन जब एम्प्लॉय ऑफेंस कर रहा है वहाँ पे कुछ कंडीशंस है, और वो कंडीशंस है कि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय उस ऑफेंस को स्टार्ट कर रहे हैं और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अपने नॉलेज को यूज नहीं कर रहे हैं कि उस ऑफेंस को रोका जा सके। उनका एम्प्लॉय कोई इनफेमस कंडक्ट कर रहा है, मीन्स कि वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो डिसग्रेसफुल है या डिसऑनरेबल है, तब उस कंडीशन में फार्मासिस्ट के अगेंस्ट काम एक्शन अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। यदि वो एक्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से स्टार्ट किया और उसने अपने एम्प्लॉय को कहा कि आप इस ऑफेंस को कंटिन्यू करें, वहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम रिमूव कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ने कोई एक गलती 12 महीने के अंदर किया हो और उनको उसका सज़ा न मिली हो, और उनका एम्प्लॉय वही गलती दोबारा से रिपीट कर दिया, तब उस कंडीशन में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम रिमूव हो जाएगा। या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का जो एम्प्लॉय है वो लंबे समय तक किसी ऑफेंस को कंटिन्यू कर रहा है, उस कंडीशन में भी उनका नाम रजिस्टर से रिमूव हो जाएगा। ये सारी कंडीशंस हो गई जिसके अंदर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम रिमूव किया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नाम रिमूव होगा। तो वो प्रोसीजर है कि सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अबव सेड कोई भी ऑफेंस हुआ है। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी देगी कि आप अपने पोजीशन को एक्सप्लेन करें। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अपना एक्सप्लेनेशन सबमिट करेंगे। यदि उनका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री रहा तब कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन यदि उनका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उस कंडीशन में एग्जीक्यूटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव कमेटी ये ऑर्डर देगी कि इनके नाम को रिमूव कर दिया जाए। लेकिन
उनका नाम जो रिमूव होगा ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ये जो रिमूवल है ये रिमूवल टेम्पररी भी हो सकती हैं या परमानेंट भी हो सकती हैं। टेम्पररी का मतलब क्या हुआ, कुछ समय के लिए कि एक साल दो साल तीन साल एग्जीक्यूटिव कमेटी जैसा सही समझती हैं वो समय फिक्स करेंगे और उसके बाद उनका नाम फिर से दोबारा रीस्टोर कर लिया जाएगा। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं जिनका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया गया वो 3 महीने तक अपने जॉब को अपने फार्मेसी के जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, 3 महीने के बाद वो इस जॉब में कंटिन्यू नहीं रहेंगे। और ये 3 महीना क्यों दिया जा रहा है, ताकि वो अल्टरनेट लेवलीहुड सेलेक्ट कर सकें। अल्टरनेट लेवलीहुड का मतलब कि कोई और मींस ढूंढ सकें जिससे उनकी ज़िंदगी की जो दिनचर्या की जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसका वो अर्न कर सकें, मींस 3 मंथ्स की उन्हें ग्रेस पीरियड दी जाती है। अब जो जिस पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई वो पर्सन अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सबमिट कर सकता है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल को पावर है कि वो किसी भी फार्मासिस्ट का नाम दोबारा से रीस्टोर कर सके। यदि उनको ऐसे उनके पास ऐसा कोई रीज़न है तो वो दोबारा उस फार्मासिस्ट का नाम रीस्टोर कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई है वो अपील स्टेट गवर्नमेंट को कर सकते हैं अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और ये जो अपील करेंगे दैट इज विद इन 80 डेज, मींस 80 दिन के अंदर वो स्टेट गवर्नमेंट को अपील करेंगे। यदि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर दिया उस कंडीशन में अब ये पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है कि उनके रजिस्ट्रेशन को रीस्टोर किया जाए या नहीं किया जाए। अब यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रीस्टोरेशन पावर खत्म हो गई, उनका नाम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही सब्सिक्वेंट रजिस्टर में दोबारा रीस्टोर किया जा सकेगा। तो मैं इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ द रजिस्टर्ड फंक्शंस ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। मैं इसे रिवाइज कर दे रहा हूँ। फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या था, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं। 1, प्रिपरेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट रजिस्टर। 2, प्रिंटिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट रजिस्टर, पब्लिकेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट रजिस्टर, इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 5 copies टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड रेवेन्यू जनरेटेड बाई द स्टेट फार्मेसी काउंसिल 25% ऑफ दैट रेवेन्यू टू द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, appointment of the inspectors to inspect licensed retail sale premises or wholesale premises and removal of the name of pharmacists. Regarding registration, state pharmacy council issue a registration certificate to the registered pharmacist after payment of due prescribed fees. Registered pharmacist has to also submit renewal fee. Receipt of the renewal fee shall be considered as renewal of the registration. There will be no separate renewal certificate shall be issued by the registered pharmacist.
अपॉइंटमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर्स टू इंस्पेक्ट द लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ फार्मासिस्ट्स. इफ फार्मासिस्ट्स नेम एंटर ड्यू टू एनी एरर मिस्टेक योर मिस रिप्रेजेंटेशन इन दैट कंडीशन हिज नेम कैन और हर नेम कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफ द फार्मासिस्ट. एम्प्लॉय ऑफ द फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट हिमसेल्फ कमिट एनी ऑफेंस अगेंस्ट द लेजिस्लेचर और अगेंस्ट द लॉ और अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द लैंड इन दैट कंडीशन हिज नेम और हर नेम कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सिक्वेंट रजिस्टर. एनी एम्प्लॉय ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट परफॉर्म सम ऑफेंस इन दैट कंडीशन एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. बट इन दिस कंडीशन इट हैज़ टू बी प्रूव्ड दैट ऑफेंस वॉज इनिशिएटेड बाई द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड कंटिन्यूड बाई द एम्प्लॉय ऑफ द फार्मासिस्ट. एम्प्लॉय रिपीट सेम ऑफेंस विद इन द 12 months. एम्प्लॉय कंटिन्यूड टू परफॉर्म दैट ऑफेंस फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डज नॉट एम्प्लॉय और डज नॉट यूज हिज इंटेलिजेंस हिज नॉलेज टू कंट्रोल और टू inhibit or to block that act. In this condition, the name of the registered pharmacist shall be removed from the register of pharmacists. Name shall be removed by the order of executive committee and this order must be approved by the state pharmacy council. Person can continue his job for the 3 months so that he could choose any alternate means for the livelihood. Person has to submit his registration certificate to the State Pharmacy Council. State Pharmacy Council has power to restore his or her name after some specified period. If State Pharmacy Council has any reason for this purpose, registered pharmacist has power to appeal against the decision of State Pharmacy Council to the state government within 80 days. In this condition, decision of the state government shall be final. And in this condition, State Pharmacy Council cannot issue order to restore his or her name. His or her name shall be restored only on the order of a state government. इस तरह से हमारा ये टॉपिक और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. दैट इज द फार्मेसी एक्ट 1948. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा टॉपिक और ये पूरा चैप्टर मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा. आपको सारे पॉइंट सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. फिर भी यदि कोई कन्फ्यूज़न है कोई डाउट्स है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा. हमें फीडबैक भी ज़रूर दें. आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल है. हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपके फीडबैक की आवश्यकता है. थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग सच ए लॉन्ग ड्यूरेशन विद मी. थैंक्स अ लॉट.